जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नफीसा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अच्छा, नफीसा बोलिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे निकाह को ना 1 महीना हो गया और मेरा निकाह हुआ है जूम पे। अच्छा। तो उसमें ये है कि मेरी तरफ से तो 3 गवाह थे लेकिन मेरे शोहर की तरफ से गवाह नहीं थे। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में क्या दोनों तरफ से गवाह होना जरूरी है या एक तरफा गवाह भी चल जाते हैं? ठीक है, ठीक है, आपका नफीसा बहुत बहुत शुक्रिया। अलामा साहब, दो सवाल आते हैं, पहले इसका जवाब दे दें फिर हम अगले की तरफ बढ़ते हैं कि निकाह हुआ है, खातून का ये मानना है कि इनकी तरफ से गवाह थे लेकिन इनके जो शोहर हैं उनकी तरफ से नहीं थे और ये निकाह जूम पर हुआ है। अच्छा, पहले बार भी एक दो बात कर दूं मैं? करें, जरूर करें। जो बच्चों के बारे में मुझे जरूर जरूर बताइए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। असल हम मौलवियों के पीछे लग गए, मैं खुद मौलवी हूँ, कुरान को छोड़ दिया। कुरान हमें सूरह निसा इसी चीज़ के लिए, सूरह निसा बहुत बड़ा सूरह है, औरत के नाम से अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारने का नाम निकाह है। और नहीं आपका अच्छा गुजारा होता तो नेकी के साथ अलग हो, बिल मारूफ का माना नेकी है, मेरा ख्याल है और कोई माना नहीं। लड़ाई, बदी, छुरा, चाकू, कत्लो, गारत, ये नहीं है, बिल मारूफ है, नेकी के साथ तुम अलग हो जाओ। मेरे अजीज ने मिसाल यूरोप की दी आज़ादी की, आपके यहाँ आज़ादी क्या? मैं तो पहले ये रोना रो रहा हूँ। फिर अगर वो नहीं रह सकते उसका तरीका तलाक है, हालांकि तलाक हराम नहीं है लेकिन अल्लाह के नज़दीक एक ऐसा अमर है जो नापसंदीदा है, अर्शे इलाही कांप जाता है। यतीम को तमाचा मारना, मजलूम पर जुल्म करना या ना किसी को तलाक देना, अर्शे इलाही कांप जाता है। किसी मोहसिन औरत पर निस्बत देना ऐसी, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। अच्छे तरीके से आप नहीं रहना चाहते, अलहदा हो जाए, उसके लिए कुरान ने तलाक रखी है। बच्चों का सिलसिला आ गया है, फिर वही बात आ जाएगी कि अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। बच्ची कितने साल तक बाप के पास रह सकती है या माँ के पास? अल्लाह ने इसके अहकाम बताए हैं, नबी ने बताए हैं, अहले बैत ने बताए, उनके प्यारे सहाबा ने बताए हैं। हाँ जी, बच्ची चूंकि एक सिनफे नाजक है, इसके लिए और तरीका है, बच्चे के लिए और है। हमारे मुफ्ती कहते हैं जी बच्ची 5 साल तक या 7 साल तक माँ के पास रहेगी, माँ जवाब देती है मैं नहीं रखती, अपनी दादी रखे, कोई रखे, मैं नहीं रखती, वो और मसला है। लेकिन इस्लाम कितना शफीक है कि ममता के पास ही ये बच्ची 5 साल या 7 साल रहे, उसके बाद वो शौहर को दे दे, खर्चा जिम्मे शौहर है जिसने तालिक तलाक देने वाला है। बच्चा है वो 2 साल है या 5 साल है। कहीं भी इस्लाम ने हमें इजाजत नहीं दी कि बच्चों के हकूक वालदैन सलब करें, खानदान सलब करें, मुआशरा सलब करें। अदालत इनसे कोई वास्ता नहीं, अदालत को, अदालत कभी भी बुराई का दर्श नहीं देगी, अदालत कभी भी जुल्म के लिए वहां अदालत पर नहीं बैठेगी। उनका यही मतलब होता है कि लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है ना? ठीक है। तो ये अहकाम जबकि हम दूर हैं कुरान से, भुगत रहे हैं और इतना भुगत रहे हैं कि हमारा भी जिस तरह के मेरे अजीज जज रहे हैं, फिर कानून से वास्ता है, ये जो हम मौलवी होते हैं ना, हमारा ये दीन जो दीन ही सबसे बड़ा कानून है, हमसे ज्यादा कवानीन कोई नहीं जानता। और बात हम तक ही आती है, जब भी आती है तो हमें भी चाहिए ना कि ऐसा, पहली बात है जब बुनियाद ही गलत है, वो बच्ची कह रही है मैंने छुपकर निकाह कर लिया। हाँ। भाई जब तू आकिला बालिगा राशिदा पढ़ी लिखी है तो माँ बाप से कहते हुए तेरी जुबान पर छाले पड़ते हैं, और चीजों में आप मदद ले लेते हैं अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए, इसमें भी कर लेती, वो तेरे ऊपर जबर ना करते, इज्जत के साथ भेज देते, खानदानों में लड़ाई ना पड़ती। अब ये जो पंजाबी में निकल के गई है, ये आपने बुनियाद ऐसी रखी है, कत्लो गारत, जुल्म, इस्तबदाद, जबर, दो खानदान, फिर दो कबीले, चलते चलते बड़ी दूर चल जाती है बात। बच्चे को यह सोचना चाहिए कि मैंने तालीम किस लिए हासिल की है। अक्सर बच्चों का मकसद होता है जी मैं इतना पढ़कर नौकर लगूंगा, वो नौकरी रहता है, नौकर बनकर भी नौकरी होता है, उसका ज़हन ही नौकर होता है। तालीम हासिल की जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी बासफिल उम्मीयीना रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुल किताबा वल हिकमा,
ये कुरान पढ़ो तालीम के लिए, तज़किया नफ्स के लिए, हमारे पास ये नहीं है। तालीम तो हमें अपनी तरबियत के लिए हासिल करनी चाहिए। हाँ जी, तो हम किधर चले जाते हैं? ये दूरी है कुरान से, ये दूरी है दीन हक से, और फिर उसकी तावीलें की जाती हैं। आप आईने इस्लाम के तहत लड़की अगर नहीं रहना चाहती तो उसको खुला का इख्तियार है, वो खुला ले सकती है। अगर मर्द दे सकता है तलाक तो औरत को खुला का इख्तियार है। खुला के भी अहकाम है, फिर बच्चे के भी अहकाम है, बच्ची के भी अहकाम है। हम वकला अदालतों कचहरी में जाकर लाखों रुपया हराम करेंगे? भाई आप कुरान खोल कर मुफ्तियान से बैठे जी ये मसला है, हम नहीं रहना चाहते, इसका क्या उलमा बताएंगे? बच्चे हैं उसके लिए बताएंगे। अगर ऐसे हो जाए, अब मैं मिसाल दूंगा तो किसी को गुस्सा आ जाएगा, हाँ जी, कि तलाक भी हो गया, बच्चों पर भी शफकत हो रही है। इस्लाम ने कब रोका बच्चों पर शफकत ना हो? बल्कि जितना अरसा वो बच्ची को दूध पिलाती है या परवरिश करती है, मर्द पर वाजिब है उसका नानो नुफका, हत्ता के तलाक भी दे दिया 3 माह तक हुक्म है वो शौहर के घर में रहे, हुक्म है वो मर्द जो है उसको नानो नुफका भी दे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ये सब ये दूरी है बुनियादी तौर पर, वो जिसको अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम कहा था उसे दूरी का नतीजा जो हम भुगत रहे हैं मुआशरे में। सर खान साहब, जैसे भी एक सवाल हुआ था कि जूम पर निकाह हुआ है, ये बच्चों की मुलाकात भी जूम पर वालदैन के साथ हो सकती है जी, लेकिन जूम पर मुलाकात और वहाँ पे फिजिकल जो आपकी मीटिंग है उसका कोई इफेक्ट नहीं। आप किसी को टीवी पे देख लें या उसको वैसे मिलने, माँ बाप जब तक बच्चों को पकड़े ना, प्यार ना करें, तो उसका इफेक्ट ही नहीं आता। मेरी बेटी जब सुबह स्कूल जाती है वो मुझे हक करके जाती है, मिल के जाती है, और जो फीलिंग मुझे आती है और जो उसे आती है वो जूम पे देखने से नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। तो वो जूम एक वैसे हो सकता है अगर आप मुल्क से बाहर हैं या दूर हैं कहीं, लेकिन अगर मैं तो समझता हूँ कि जो मिल के जो फीलिंग जो एहसास है वो देखने से नहीं आता। मुफ्ती साहब, ये अभी एक सवाल ये आया था कि नौजवान का कि उनका निकाह हो चुका है लेकिन रुख्सती नहीं हुई है, तो वो खातून को लेकर बाहर जा सकते हैं कहीं? निकाह हो गया है, रुख्सती नहीं हुई, तो जब एक खातून निकाह में आ गई तो अब उसकी बीवी है, ठीक है, उसको अलैदगी में मिल सकता है, उसके पास जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह ना करे कभी भी कि अगर बाद में कोई तलाक वाला मामला हो गया तो फिर ना कुछ मसाइल जो है ना उनसे फिर सामना करना पड़ता है। मसलन अगर सिर्फ निकाह हुआ था, अल्लाह ना करे बाद में तलाक हो गई, तो अगर तो उनकी कभी मुलाकात हुई नहीं थी तो अहकाम और हैं, और अगर कभी ज़िंदगी में अलैदगी में इतनी मुलाकात हुई कि जितनी मुलाकात के अंदर मियां बीवी जिस तरह रहते हैं इतना वक्त अगर गुजर गया तो फिर अहकाम और होंगे। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि निकाह हो गया तो भाई रुख्सती लो उनसे, ये क्या ज़रूरत है निकाह करके, तो वो अपने घर बैठी हैं ये अपने घर। तो हाँ, अगर कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं, कुछ मामलात हिकमत अमली से हल करने के लिए कि पहले निकाह कर लिया जाए ताकि कहीं इकट्ठे गुजरना है, कहीं इकट्ठे आना जाना, मसलन खातून है इलम हासिल कर रही है, कहीं कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी मदरसे में जा रही है, लड़का है वो भी अभी पढ़ रहा है, तो उनका निकाह अगर हो गया रुख्सती से पहले पहले, वो अगर चाहते हैं जी रुख्सती हम बाद में करेंगे, अभी तालीम मुकम्मल हो जाए, तो तालीम मुकम्मल करने के लिए इनको जरा इकट्ठे आना जाना होता है, तो अब चूंकि वो महरम बन गए, मियां बीवी बन गए, उनका इकट्ठे सफर करना, अलहदा बैठना, अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो फिर तो मुनासिब बात है। लेकिन बेहतरीन हल यही होता है जब निकाह हो जाए रुख्सती कर दें। रही बात इनके सवाल की, जब आप निकाह आपके निकाह में वो खातून है, आप उनसे मिल भी सकते हैं, उन्हें कहीं सैर पे भी ले जा सकते हैं, और मियां बीवी वाले जिस तरह मामलात हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुआशरती लिहाज से बेहतर ये है कि रुख्सती का इंतजार करें। लेकिन अगर माँ बाप ही इस चीज को मतलब मना करते रहे बच्चों को कि नहीं आपने नहीं मिलना, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, माँ बाप के मना करने का जहां तक ताल्लुक है ना, मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि जो किसी अच्छी बात से अपने बच्चों को मना करें। जब भी वो मना करेंगे ना, तो उनके मना करने में कोई ना कोई तजरिबात की रोशनी में ऐसी चीज शामिल होगी
चूंकि उन्होंने जिंदगी गुजारी है ना, तो वो इन चीजों को ज्यादा समझते हैं कि बेटा अभी आप इकट्ठे ना जाएं या कोई भी सख्ती वाला मामला कर रहे हैं, तो औलाद को चाहिए कि वालिदैन को इत्माद मिले, और मियां बीवी वाले जिस तरह मामलात हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन माशरती लिहाज से बेहतर यह है कि रुख्सती का इंतजार करें। लेकिन अगर माँ बाप ही इस चीज को मतलब मना करते रहे बच्चों को कि नहीं आपने नहीं मिलना, तो उसके बारे में क्या है? देखिए, माँ बाप के मना करने का जहां तक ताल्लुक है ना, मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे कि जो किसी अच्छी बात से अपने बच्चों को मना करें। जब भी वो मना करेंगे ना, तो उनके मना करने में कोई ना कोई तजुर्बात की रोशनी में ऐसी चीज शामिल होगी, चूंकि उन्होंने जिंदगी गुजारी है ना, तो वो इन चीजों को ज्यादा समझते हैं कि बेटा अभी आप इकट्ठे ना जाएं या कोई भी सख्ती वाला मामला कर रहे हैं, तो औलाद को चाहिए कि वालिदैन को इत्माद मिले।